मथुरा में कानून वापसी पर स्थानीय किसान नेताओं की राय। तीन कृषि काले कानूनों की वापसी के लिए लगातार एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। लगातार एक साल से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, सरकार के द्वारा उन पर लाठियां बरसाई, आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हो गए। वहीं बारिश व ठंड में बैठकर किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। किसान अपना आंदोलन कर रहे थे उसी समय पर तमाम प्रकार की बातें निकल कर आई। किसी ने उन्हें खालिस्तानी कहा, किसी ने उन्हें आतंकवादी कहा, किसी ने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, किसी ने आंदोलन जीवी कहा। इतना सब कुछ झेलने के बाद किसानों को थोड़ी खुशी मिली। वह खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें किसान समझा और उनके द्वारा किसानों के तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई, जिसे लेकर आम आदमी से जनता विपक्षी पार्टियों में कई प्रकार की चर्चा होने लगी है। वहीं किसान नेताओं में भी चर्चा होने लगी है। मथुरा में स्थानीय जगह पर बैठकर कुछ किसान नेता आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी बीच समाचार 24 न्यूज चैनल से रूबरू होते हुए किसान नेताओं ने कृषि कानून वापसी को लेकर अपनी अपनी बात कही। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। प्रधानमंत्री जी के द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी गई है, आप सहमत हैं क्या नहीं उस चीज से और क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है? जी, हम तो बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। जो 700 लोगों की हमारे शहीद हुए हैं किसान, वो शहीद नहीं होते, उनकी जान बचती। भाई, एक परिवार में अगर एक सदस्य चले आए तो बहुत कुछ चले आता है, किसी के पिता ही चले आते हैं, किसी का भाई चले आता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत गलत किया और इन मांगों को जो किसान कर रहे थे, हमारे अन्नदाता अगर ये अपनी मांगों को कर रहे थे, इनको पहले ही पूरा कर देना चाहिए था। कोरोना काल में किसान ने, इन्होंने जो कानून लाए कोरोना काल में इन्होंने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किसानों की एक नहीं सुनी, किसानों ने बहुत धरने दिए, पंजाब से लोगों ने धरने दिए, सिखों को खालिस्तानी बता दिया गया, जबकि सिखों ने बहुत कुछ किया इस हिंदुस्तान के लिए, उनको खालिस्तानी बता दिया गया, किसानों को आतंकवादी बता दिया गया। ये कहाँ का वो था, कम से कम इस बात को समझते और ये काम अगर वो पहले कर देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सही आए, लेकिन आगे चल के मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे शहीद हुए हैं, 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए और उनके परिवार को पूरा भारत भूषण दिया जाए, वो यही मांग है मेरी। सर, सरकार के द्वारा जो कृषि कानून वापस किए गए उनसे आप संतुष्ट हैं क्या नहीं और क्या चाहते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये जुमलेबाज हैं। 29 तारीख को संसद सत्र चालू हो रहा है, इन्होंने जो प्रस्ताव जो हैं वो संसद सत्र में पास किए थे। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की नज़र 29 तारीख के संसद सत्र पर है कि उसमें ये उसको बिल ला के खारिज करते हैं कि नहीं करते हैं। प्लस एक मुख्य मुद्दा हो रहा है कि MSP जो फसल का रेट तय करते हैं वो गारंटी, उससे नीचे हमारा किसान का मान नहीं लिखना चाहिए, उस पर गारंटी कानून लागू बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जो आंदोलन क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है? आंदोलन अभी उन्होंने होगा कि अभी मौके कहा है, इन्होंने जुमलेबाज हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी 15 लाख रुपए देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो अभी हमें विश्वास नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, एक बात की हमें खुशी है, कभी ये हमें परजीवी बोलते थे, कभी अफगानिस्तानी बोलते थे, कभी पाकिस्तानी बोलते, पहली बार भारत सरकार ने ये माना है कि वहाँ किसान बैठे हैं। केवल ये चीज़ है हमारे लिए बस कि उन्होंने हमें किसान माना है। भाई का जो सत्र चालू होगा 29 के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की उस पर नज़र है, उसके बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी चल रही है वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर, जब डिसीजन लिया जाएगा। 22 तारीख की हमारी लखनऊ में एक महापंचायत है, वो भी की जा रही है, उसको भी नहीं हटाया गया है, बहुत अच्छी संख्या में किसान पहुँचेंगे वहाँ पर। बताया सर, कृषि कानून जो वापस किए जा रहे हैं तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है, उसका क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि जो आप लोगों ने यहाँ आकर कष्ट किया और आपने हम लोगों के बात जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही। सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी ने कहा कि जो है ये किसान जो है कानून में माफ़ कर दूंगा, लेकिन उनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने अभी तक बहुत सी बातें कही, जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं, रोजगार की कही, स्कूलों की कही, बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन उनमें से कोई बात पूरी नहीं हुई। तो किसान जब तक नहीं मानेगा, जब तक पहले जो है संसद में बाकायदा जिस तरीके से ये कानून लगाया गया था उसी तरीके से ये कानून वापस होना चाहिए। नंबर दूसरा ये ऐसा है कि 700 किसान जो हमारे वहाँ शहीद हुए हैं, उनके घर वालों से, इनके बाल बच्चों से पूछिए कि उनका क्या हाल होता है। किसी गरीब के घर का एक बच्चा चला जाए या बड़े के घर का एक बच्चा चला जाए,
तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन वो 700 किसान जो ठंड में मर गए हैं, जो है जिन्होंने देश की कुर्बानी कर दी, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, अभी ओल की जो है ओला पड़ा, जिसमें जो सब्जी जो फसलें नष्ट हुई हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि और एमएसपी का कानून ऐसा है कि पहले उसकी तो बात हो, जब तक एमएसपी के कानून की बात नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होना है। और हमारे जो कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम बाकायदा चलते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, लेकिन हम अहिंसावादी आदमी हैं, गांधी जी के तरीकों पर चलने वाले हैं, उनके पदों पर अनुसरण करते हैं, हम उन्हीं के हिसाब से अपने आंदोलन करते हैं, उन्हीं के हिसाब से अपने कार्यक्रम करते हैं। हम ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं जिसमें किसी को परेशानी हो, सरकार को परेशानी हो या प्रशासन को परेशानी हो। जय। अगर कृषि कानून जो वापस किए जा रहे हैं उसकी घोषणा कर दी गई है प्रधानमंत्री जी से, आप सहमत हैं? नहीं, देखो सहमत तो हैं लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। पहली बात तो यह है कि हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है कि कल जो है 19 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और स्वयं माफी मांगते हुए हम किसान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनको किसान माना, सबसे बड़ी खुशी ये हमको, और हमने मिठाई बांटी इसीलिए। लेकिन हमारी मांग पूरी इसलिए नहीं हुई कि हमें एमएसपी पर गारंटी मिलनी चाहिए, और जो हमारे अभी तक जो 700 से ऊपर जो किसान शहीद हो गए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और हमारी बहुत समस्याएं हैं। अभी आगे अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा, और ये हमारे जो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग चल रही है उसमें जो फैसला होगा उसके हिसाब से, जो कुछ भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से चलेंगे। अभी तो हम कल की जो मीटिंग है हमारी, परसों की 22वें हमारी महापंचायत है लखनऊ में, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ले जा करके सफल बनाने का काम करेंगे। और सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमारी जो मांगे हैं एक मांग से काम नहीं चलेगा, और भी मांगे उनको पूरा करें। सो हम हरी मांग पूरी होंगी तो हम जो है घर वापसी होंगे। जय हिंद जय भारत। बताएं जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के कृषि कानून जो है वापस कर लिए गए हैं फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, हम आपने हमारी आवाज़ को उठाने के लिए आप यहाँ तक कष्ट किया आने का। सबसे बात यह कि हमें संसद से लेकर सड़क तक कैबिनेट के सारे मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं ने हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने कहा, इन्होंने किसान के बारे में अनगिनत मनगढ़ंत कहानियां बनाई। आज किसान उस दिशा से जूझ रहा है इनको पता नहीं, ये तो एसीओ में बैठ के पूंजीपतियों को इनका हाथ रख के ये अपनी सरकार चला रहे, ये पूंजीपतियों के बिके हुए हैं। आज डीजल के दाम 100 रुपये से ज्यादा, पेट्रोल 100 से ऊपर, किसान डीएपी मिल नहीं रहा, किसान की फसल बिक नहीं रही मंडियों में, आलू का रेट 2 रुपये किलो बिकता है और किसान बर्बाद हो रहा है। वर्षा होती है, बेमौसम बरसात आती है, एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती, जब तक ये एमएसपी पे गारंटी नहीं देंगे किसान जब तक नहीं हटेगा। कानून वापस लेने से जुमलेबाजी करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने पहले खुद जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि जब तक हम ये एमएसपी का कानून नहीं बनेगा हम बात मानेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये अपनी बातों से जुटला जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो जी लोग एमएसपी पर गारंटी दें और किसानों के हित के बारे में रक्षा करें। दूसरी बात, एसटी ओबीसी के बारे में ये बात करते हैं, ऐसे ही हमारे 10% कम से कम किसानों का प्रतिनिधित्व संसद में हो, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें हमारे किसानों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसान होने चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, किसान की सारी बात समस्या सुन के बात करके होनी चाहिए, किसानों से बात की जाए, उसके बाद आगे मुद्दों को हल निकाला जाए। बताएं किसानों के जो कृषि कानून वापस किए गए हैं उसका क्या कहना चाहते हैं? जुमला है ये मोदी सरकार का जुमला, और जुमले तो दिए जाएंगे, मोदी सरकार टूटी देती आई है, 15 लाख रुपए देंगे, दिया गया जो है अच्छे दिन आएंगे, देख लो क्या अच्छे दिन आए हैं, ये तो सरकार का जुमला है। जब केंद्र सरकार ने कृषि विरोधी अध्यादेश को कोरोना काल में संसद में पास किया था, सबसे पहले मोदी जी को तीनों कृषि कानून, काले कानूनों को संसद में निरस्त करना चाहिए था, उसके बाद घोषणा करनी थी, लेकिन ये तो जुमला है मोदी सरकार का, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कृषि विरोधी काले कानूनों के लिए देश का अन्नदाता
एक साल 12 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर ठंड, गर्मी, बरसात में भी टिका रहा, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थी। एक साल से इस सरकार ने किसानों की किसी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अब जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए हैं, जब मोदी सरकार को कृषि विरोधी काले कानून याद आए, ये जुमला है, विधानसभा चुनाव का जुमला है। हमारे देश के अन्नदाता तीतरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अपने सिंधु बॉर्डर, KMP, चारों बॉर्डरों पर एक साल से डटे हुए हैं, लेकिन आज तक केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे ने किसानों की कोई समस्या को आगे नहीं पूछा, ना ही कृषि काले कानून पर बात की। देश का अन्नदाता आज नहीं, एक साल नहीं, अगर हमारे कृषि काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो एक साल नहीं, ये आंदोलन 2 साल और 3 साल चलेगा। देश में मोदी मीडिया ने दिखाया था कि किसानों ने दिल्ली के रास्ते रोक रखे हैं। किसानों ने रास्ते कहीं नहीं रोके, रास्ते दिल्ली पुलिस ने रोके थे, रास्ते केंद्र सरकार ने रोके थे। किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बैरियल के बाद में कांटों के तार में करंट, जैसे किसी आतंकवादी या किसी बदमाश या किसी गुंडे की सुरक्षा के लिए लगाए गए हों। इस देश का अन्नदाता एक साल से आंदोलन करता रहा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं सुनी उनकी। जो है अब संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया है कि लखनऊ में एक विशाल महापंचायत होगी। ये विशाल महापंचायत कृषि विरोधी काले कानूनों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस महापंचायत में मथुरा जनपद से हमारे जिलाध्यक्ष माननीय श्री देवेंद्र रघुवंशी जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता अपने निजी वाहनों से, ट्रेनों से लखनऊ के लिए कूच करेंगे, और अगर जरूरत पड़ती है तो मथुरा जनपद से जिला कमेटी गाजीपुर बॉर्डर पर भी अनिश्चितकालीन रहेगी। जब तक कृषि विरोधी काले कानूनों की वापसी नहीं होगी तब